पूरियों के साथ खाई जाने वाली कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी अक्सर हम बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे कद्दू और चने की सब्जी, जो बहुत आसान है बनाना और ये काफ़ी शानदार बनती है। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा और आप अपने घर के किसी भी मेन ओकेजन पर इसे बना के सर्व कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस के लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है, तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें 250 ग्राम कद्दू चाहिए, जिसका छिलका हटा के हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेंगे। साथ ही हमें आधा कप काबली चना चाहिए, इसे रात भर पानी में सोख कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप इसे 5 बजे सलाने तक प्रेशर कुक कर लीजिए। कद्दू और चने की कुकिंग टाइमिंग बिल्कुल अलग होती है, तो इसके लिए हम चना को पहले से कुक करके तैयार रखेंगे तो दोनों साथ साथ पकने में टाइम नहीं लगेगा, तो इस तरह से इसका टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च और 7 से 8 कली लहसुन ले लीजिए छीलने के बाद, और इसे आप चाहे तो पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे कूट के ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये क्रश हो जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। आप चाहे तो इन्हें ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूटा हुआ पेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ये टिप मैं बार बार आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप ये टिप किसी भी सब्जी के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, टेक्सचर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पेस्ट तैयार करने के बाद अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म कर ली है मैंने, ऐड किया है इसमें 3 टेबल स्पून तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच ज़ीरा। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड किया मैंने 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी। कद्दू की सब्जी में कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो स्किप मत कीजिएगा। हींग ऐड कर दीजिए 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड किया मैंने 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता। सारे मसाले काफ़ी फ्लेवर देते हैं इस सब्जी को। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, जीरा और कलौंजी अच्छी तरह से चटक जाए। तो यहाँ पे देखिए भून चुका है मसाला, अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। तो लगभग 1/2 कप फाइनली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे से हल्का सा सुनहला होने तक भून लेंगे। इस प्रोसेस में आपको हार्डली 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है। तो प्याज हमारा भून चुका है, तो हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब पेस्ट के साथ प्याज को थोड़ी देर और भूनिए ताकि पेस्ट भी पक जाए, इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट को भून लिया है, इस स्टेज पे हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने स्लाइसेस में काटा है वो ऐड कर देंगे। टमाटर को आपको इसी स्टेज पे ऐड करना होगा। टमाटर डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब बारी आती है सूखे मसाले की, तो यहाँ पे ऐड किया मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाला है मैंने। नमक अभी ऐड नहीं किया है, उसे बाद में ऐड करेंगे। तो अब सबको मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिला लीजिए और कद्दू को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो हम इसे कवर करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने, अब इसे कवर करेंगे लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे लगभग 8 मिनट हो गया है, तो चेक कर लेते हैं। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि कद्दू अभी भी हार्ड है तो फिर से आप कवर कीजिए इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए और इसे कवर करते हुए ही पूरी तरह से सॉफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है अभी कद्दू, तो फिर से मैं इसे कवर करूँगी लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे लगभग 7 मिनट हो गया है, कवर हटा के देख लेते हैं। तो ऑयल पूरी तरह से ऊपर आ चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से लिपट चुका है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए मिक्स करते हुए ही फील हो रहा है कि कद्दू पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। इस तरह से इजीली ये कट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह से मशी हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे बाकी का बचा हुआ नमक, क्योंकि मैंने जो पेस्ट बनाया था उसमें भी नमक ऐड किया था। तो अगर आप उसे ग्रेट करके ऐड कर रहे हैं अदरक हरी मिर्च और लहसुन को, तो नमक यहीं पर एडजस्ट कीजिए। नमक डालने के बाद डालिए इसमें उबला हुआ काबली चना और साथ ही इस स्टेज पे ऐड कीजिए बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती।
अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि डिज़ायर कंसिस्टेंसी ना मिल जाए आपको। ये सब्जी पूरी तरह से ड्राई बनती है, लेकिन इसे थोड़ा सा भूनना पड़ता है ताकि मसाले अच्छी तरह से कद्दू के ऊपर, चने के ऊपर लिपट जाए और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए। तो यहाँ पे बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गया इसे भूनते हुए, और आप यहाँ पे टेक्सचर देखिए, बिल्कुल लिपटी हुई सब्जी, ग्रेवी कहीं नहीं है इसमें, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनके तैयार हुई है। तो अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे, और इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं ऐड होगा, तो इसे पूरी तरह से स्किप कीजिए। इसमें इतने अच्छे अच्छे मसाले हैं, काफ़ी फ्लेवरफुल है, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। ये सबसे अच्छी पूड़ियों के साथ लगती है, आप इसे लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।